Hello, my dear students. Today I am going to discuss Pythagoras theorem. Hope you will enjoy this video. पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस करवाए थे और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये भी हमने बताया. इसमें हमने ये बताया कि पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है. तो ये क्वेश्चन पिछले टर्म पे मैंने आपको बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो आइए इसको हल करते हैं और इसकी विशेष बात क्या है इस क्वेश्चन की, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं. इस क्वेश्चन में सी डी और बी ए पैरेलल दे रखी हैं पहले से. एंगल बी आप ए आपका 90 डिग्री है. आपको ए बी की साइड दे रखी है, बी डी की साइड दे रखी है और सी डी की साइड दे रखी है. ठीक है, आपको सी डी दे रखा है. आपको दिया कौन कौन सा हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं. हमें ए बी पता है, हमें बी डी पता है, हमें सी डी पता है और हमसे पूछ रहे हैं बी सी बताइए. देखिए बी सी कब निकलेगा, क्या बी सी में कोई भी एंगल 90 डिग्री नज़र आ रहा है? ना ये नज़र आ रहा है, ना ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है. तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा काम. हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब देखिए, अब आपको बी सी तब मिलेगा जब आपको सी के और बी के प्राप्त हो जाए. तो बी के कब मिलेगा, जब डी ए मिल जाए, क्योंकि बी के डी ए के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90 है. तो देखिए डी ए हम निकालेंगे सबसे पहले. तो कहेंगे ट्रायंगल ए डी बी. ए डी बी में क्या कि बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर. बी डी का स्क्वायर 625 हो गया, बी ए का स्क्वायर 49 हो गया और ए डी का स्क्वायर ये हो गया 625 माइनस 49 गिव्स 576. और आप जानते हैं 576 का स्क्वायर रूट जो होता है दैट इज 24 सेंटीमीटर. तो इस तरह से आपने ए डी निकाला और ए डी इक्वल टू कितना होगा बी के. ए डी जो होगा वो बी के इक्वल. तो आपको बी के पता चल गया. अब सी बी निकालने के लिए जरूरी है कि हमें सी के पता चल जाए. तो आप देखिए फ्रॉम, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, फ्रॉम डायग्राम के डी इज इक्वल टू बी ए और बी ए की जो वैल्यू दे रखी है वो है 7. बी ए है जो के डी के इक्वल है और वो कितना है 7. और पूरी सी डी आपको दे रखी है 17. तो आप सी के कितना लिखेंगे, 17 माइनस 7 दैट गिव्स 10 सेंटीमीटर. तो ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा सी के 10 सेंटीमीटर. और के और आपको के बी पता है ही, या बी के या के बी 24 सेंटीमीटर. तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं सी बी. तो कहेंगे ट्रायंगल सी के बी. सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी के स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर. सी बी स्क्वायर कितना है निकालना है हमें. सी बी स्क्वायर लिखा, सी के स्क्वायर कितना है, सी के 100 हो जाएगा और के बी कितना है, बी के बी वो है 24. तो आप जानते हैं 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576. तो ये सी बी इसके साथ ऐड हो जाएगा, 676 आ गया आपका. तो 676 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो वो आ जाता है 26. तो इस तरह से बच्चों आपका सी बी कैलकुलेट हो. ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है, ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन होता है, अपनी तरफ से कुछ हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि परपेंडिकुलर हम कहाँ पर ड्रॉ करें. लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम या 90 डिग्री पर बेस्ड है तो कहीं ना कहीं हमें 90 डिग्री को निकालना होगा. 90 डिग्री नहीं है तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 90 डिग्री जनरेट करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई. आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी कैटेगरी में.
एक क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो इन्होंने कहा फाइंड साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल तो साइड ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ए बी दे रखा है एक्स माइनस थ्री, बी सी दे रखा है एक्स प्लस फोर और ए सी दे रखा है एक्स प्लस सिक्स, ये आपको तीन चीजें दे रखी। तो अगर हम इसमें, इसमें डायग्राम नहीं बच्चों दिया है, तो अगर हम इसमें डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कैसे हम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के लिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा दे रखा है। तो आप देखिए गौर से, जो एंगल दिया है आपको वो बी एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हुआ। तो ए बी आपको ये दे रखा है एक्स माइनस थ्री, बी सी आपको एक्स प्लस फोर दिया है और ए सी आपको एक्स प्लस, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा, हम जानते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी कितना है बच्चों, ए सी है एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर, सी बी है आपका एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर और ए बी है आपका एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ट्वेल्व एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एट एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, 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 ये हमने फॉर्मूला अप्लाई। अब आप गौर देखिए, ये इसके बाद कैंसिल हो गया और जो भी कैलकुलेशन में है हम उसको लिख लेते हैं, 36 प्लस 12x इक्वल टू, ये देखिए 8x से सबट्रैक्ट होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 हो गया, सबट्रैक्ट हो गया ये। अब सबको हम इधर भेज देते तो ये हो जाएगा 0 और कैलकुलेशन में अगर हम करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन में जब हम जाएंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर लिखा देंगे, ये स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10x आया और ये 36 माइनस 26 तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस का 11, ठीक है ना बच्चों, सब्ट्रैक्शन करने पर 36 माइनस 25 और ये हो गया। तो अब हम इसको और सरल तरीके से लिख लेते हैं, सरल तरीके से लिखने का मतलब कि हम इस प्रकार से, अभी देखिए 11 है, 11 को ऐसा ब्रेकअप करिए कि 10 आ जाए, तो आप जानते हैं 11x प्लस x माइनस 11 इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लो x माइनस 11 प्लस 1 कॉमन ले लिया x माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस 11 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11 एंड माइनस, माइनस 1 यहाँ पर आया तो माइनस 1 तो हम लेंगे नहीं, उसका रीजन ये है, देखिए उसका कारण समझिए, आपको कितनी साइडें दे रखी हैं, एक है x माइनस थ्री और एक है x प्लस फोर और एक है x प्लस सिक्स, लेट टेक x इक्वल टू माइनस, तो जैसे हम माइनस वन लेंगे तो पहली साइड आपकी हो जाएगी फोर, दूसरी साइड हो जाएगी थ्री और तीसरी साइड हो जाएगी फाइव, दिस इज इम्पॉसिबल, क्यों, कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो यहां तो ये माइनस में हो रहा है तो इस केस में हम माइनस वन को नहीं लेंगे, लेट टेक, लेट्स टेक 11, तो फर्स्ट साइड मतलब ए बी आपकी हो जाएगी 11 माइनस 3 8 हो गया, ठीक है ना बच्चों, और और 11 माइनस 3 8 हो गया, और नेक्स्ट आपका है बी सी, बी सी इज इक्वल टू लिखेंगे तो 11 प्लस 4 ये हो जाएगा 15 और लास्ट आपका बचा ए सी, ए सी एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17, तो ये आपके तीन मान हो गए, तो सब में सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख देंगे, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम में जो हमने क्वेश्चन बताया काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन, और यकीन जानिए इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन सारे दे रखे हैं। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको भी देखते हैं कैसे हल होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, यहाँ सुनिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पोल हैं, पोल तो आप जानते हैं पोल खंभे होते हैं, एक पोल ये है और एक पोल ये, दोनों ही पोल जमीन पर लगे हुए हैं, ठीक है, वी हैव टू पोल्स,
एक पोल की हाइट है 11 मीटर और एक पोल की हाइट है 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। एक पोल कितना है आपका, 11 मीटर, तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेटली खींच लेते हैं इस तरह से, और एक पोल की हाइट है ए बी, हमने एक पोल कह दिया, और ए बी और सी डी हमने दूसरा पोल कह दिया। द डिस्टेंस बिटवीन फीट इज 12 मीटर, 12 मीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में, नीचे डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप, इनके टिप की बीच की दूरी पूछ रहे हैं। टिप का मतलब हो गया ये दूरी, ये दूरी पूछी जा रही है कि ए बी, आप बताए जो मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है वो डिस्टेंस पूछ। तो उसके लिए करना कुछ नहीं होगा, हम सबसे पहले एक लाइन ये पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ लिख देंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी दैट इज डी के, हमने उसको डी के का नाम दे दिया, तो डी के का नाम दे दिया, तो डी के खींच दिया। अब डी के की लेंथ कितनी हुई, डी के बन गया आपका 12, और अगर हम बात करें बी के, तो देखिए यहां से यहां तक की लेंथ है पूरी 11, उसमें से 6 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 11 - 6 हो गया 5, तो एक हो डी के आपका हो गया 12 और ये बी के हो गया 5। अब लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम डी बी के में, डी बी के में पाइथागोरस थ्योरम। तो जब डी बी के में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी के का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इक्वल टू बी के का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 12 हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 26, 169 डी बी स्क्वायर दिस वन एंड डी बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स स्टॉप हेयर एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, टिल देन गुड बाय।